जी ਇਹ ਹਾਂ ਬੋਨ ਸਫੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਚੁਕਾਣੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਸ਼ਾਰਾਂ ਇਹ ਪੈਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੇਜੋ ਭੇਜੋ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸੜੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। आदाब नाज़रीन, इस समय हम मौजूद हैं गलुता की वार्ड नंबर 2 में, जहां के लोकल्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि यहां जो है पोल्स जो गवर्नमेंट के दिए जाते हैं वो पोल्स हमें नहीं मिले, और हमने जो है घर को रोशन करने के लिए जो है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो लकड़ी के पोल है, लकड़ी के पोल लगा के जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है बिजली को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इन लोगों का जो साफ कहना है वो ये कहना है कि इंतज़ामिया जो है या जो PRIs हैं, उन्होंने आए दिन तक इस चीज़ के ऊपर अपनी नज़रसानी नहीं की। हमारे साथ यहाँ के लोकल से हम इनसे जानेंगे कि क्या वजह रही कि इनको जो ये पोल्स हैं ये पोल्स नहीं मिले। जी, आपका नाम? जी सर, मेरा नाम अब्दुल रहमान। जी रहमान जी, आप बताएं कि क्या वजह है कि यहाँ जो है गलुता पंचायत में जो है ये पोल्स नहीं आपको मिले। सर पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी आवाज़ उठाने की कोशिश की, आप हमारे इलाका में यहाँ आए तो मौका की आपने सूरत हाल देख ली। तो ये बात यह है कि तकरीबन ये अरसा 10 साल से 15 साल से हमारा ट्रांसफार्मर एक लगा था BG में, तो उस वक़्त हमारे पास ये दूसरे पोल थे, सीमेंट वाले पोल, कुछ बर्फ़बारी की वजह से वो टूट गए थे। फिर बार बार हमने इसरार किया कि आप हमें पोल दे दो, कि भाई हमारे गैप फिलिंग के लिए पोल दे दो, हमें जब बारिश का मौसम होता है तो हमारी तारें जो हैं ये पेड़ों के साथ टकराती हैं तो हमारी बिजली बंद हो जाती है। इवन के हमारी वजह से 3-4 स्टेशन और भी बंद हो जाते हैं जब अर्थिंग होती है। तो उसके माध्यम से हमने AEE साहब से भी बात की, मुतलका जो पेंच सरपंच हैं उनसे भी बात की, तो पहली बात तो चली गई। अब जब हम महकमे के पास जाते हैं, हम AE साहब के पास गए, नदीम खान साहब के पास गए, मैंने वहाँ अपनी बात रखी कि आप स्पॉट पे आएँ, आप मौका के तहसील ऑफिसर हैं, आप मौका पे आए तो हमारी देख लें कंडीशन। तो उनने कहा भाई मैं अपने लाइन मैन को बोलूँगा तो वो मौका की सूरत मुझे बताएगा, तो दूसरी बात यह है तो हमारे पास कुछ नहीं है। अब जितना भी प्रोजेक्ट है, बिजली के पोल हैं या कोई भी फंडिंग है, हमने सरपंच को सिर्फ आने के लिए, मीडिया हजरात हमारी आवाज़ को उठाएँगे तो एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँचाएँगे, तो इसलिए हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को उठाएं, और जितना भी मुतलका ऑफिसर हैं, ख्वाह वो इलेक्ट्रेशन महकमा के हैं, हमारी पानी की हालत जो है वो भी बहुत खस्ता हाल है, लेकिन ख़ासकर ये जो बिजली का है ये बहुत डेंजर मामला है। ये देखो लकड़ के पोल लगे हुए हैं तो अब ये भी काफ़ी गले सड़े हुए हैं, किसी टाइम ये गिर जाएंगे, और यहाँ से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, किसी को भी शॉक लगने का ख़तरा है, तो किसी का माल मवेशी भी लग सकता है। तो जूँ ही यहाँ बर्फ़ तकरीबन 2-2 फुट गिरती है, तो बर्फ़ गिरने से जब कहीं कोई ये कितने साल से जो पोल्स हैं यहाँ लकड़ के पोल्स लगे हुए हैं? सर ये तकरीबन 4-5 साल से ये लकड़ के पोल लगे हुए, अब तो इनकी एक्सपायरी डेट जो है वो हो चुकी है। तो आपने जो है 5 सालों में कितनी बार आप आला काम के पास गए हैं इन पोल्स को लेके? सर बहुत बार गए हैं हम, बार बार हम जहाँ के जो लाइन मैन है उनसे भी इसरार करते हैं, AE साहब से भी करते हैं, एक्शन साहब से भी रिक्वेस्ट की हमने, तो वो भी हमें हौसला अफजाई करते हैं कि अभी हमने प्लान में रखा है आपके पोल आ जाएंगे, दे देंगे। तो अब जब मौका आया तो पोल आए, तो पोल हमारे जो आए तो हमें पता ही नहीं चला पोल कहाँ गए, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ दिए ही नहीं, तो दूसरी पंचायतों में हमारी पंचायत के पोल उठाकर दूसरी पंचायतों में दे दिए। ये हमारे साथ यहाँ कुछ और लोकल्स हैं, एक जगह ये जो पोल्स हैं इनसे कितना ख़तरा रहता है, यहाँ एक रोड भी है जिसके ऊपर से ये तारें जा रही हैं, तो कितना जानी ख़तरा रहता है? सर बहुत ख़तरा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लकड़ के पोल हैं, ये इधर कितनी दूरी पे, यहाँ पे बीच बीच में लगे हुए हैं लोहे के पोल, तो बहुत ख़तरा है क्योंकि यहाँ पर रास्ता है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, और जब बारिश होती है उसकी वजह से अगर बारिश होती है या शॉक हो सकते हैं, लग सकता है किसी को, और बिल्कुल ये गले सड़े हुए पोल हैं, मतलब थोड़ी सी भी हवा का झटका। क्या डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से? सर हमें पोल दिए जाएं और यहाँ की ये देखी जाएगी लाइन आके। हमारे साथ यहाँ एक और लोकल है, हम इनसे जानेंगे कि क्या सिर्फ इसी जगह पे जो है ये पोल्स ऐसे हैं या इस गलुता पंचायत में और जगह पे भी है। जी आपका नाम? मेरा नाम फारूक। जी फारूक जी, आप बताएं कि ये जो पोल्स लकड़ के लगे हुए हैं ये सिर्फ यहाँ वार्ड नंबर 2 में है या बाकी जगह पे भी जो है? हर जगह में देखो, हर जगह में यही है,
जहाँ जाओ यही मिलेगा, लकड़ का पोल मिलेगा लगा हुआ या किसी पेड़ के साथ बांधा होगा। है जनाब, यही पोजीशन जो यहाँ वार्ड नंबर दो में है, यही वार्ड नंबर एक में है। मैं एक में रहता हूँ, यही कंडीशन वहाँ भी है। मैंने जो ये लैंड मैन है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है, हाँ जी, उसको भी बताया हुआ, लैंड चेकिंग करवाई, ये देख ले भाई किसी टाइम भी ये मेरा नुकसान कर सकते हैं। बर्फानी जगह है, बर्फ़ गिरेगी और बर्फ़ पड़ेगी जिस टाइम, इस पर लोड आएगा, ये नीचे पड़ेगी, मेरा माल मेशी नुकसान होगा। मगर कोई बात जो है उसने नहीं मानी, मेरे को पोल दिए जाएं, और अगर नहीं, मैं अगर झूठ बोलूँगा, मौके पर कोई अफसर भेजा जाए वहाँ लैंड चेक की जाए, और लैंड में इतना फॉल्ट है 500 मीटर में दो पोल लगे हैं, क्या उसमें कुछ भी जानी नुकसान हो सकता है? मेरा माल मेशी छोटा माल है, भेड़ बकरी मैं रखता हूँ, मैं बकरवाल आदमी हूँ, क्यों इतने में पढ़ा लिखा नहीं हूँ जनाब, गरीब आदमी हूँ, और मेरी ये अर्ज़ ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। ये हमारे साथ यहाँ गलुता पंचायत के लोकल्स थे जिनका ये कहना है कि हम जो है पिछले कई अरसे से पोल्स की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें जो है पोल्स नहीं मिले।